नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सपना कुछ कहता है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं श्वेता फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ अपने एक नवीन विषय को लेकर। और आज का हमारा विषय है सपने में रास्ता भूल जाना, रास्ता भटक जाना या खो जाना। दोस्तों, हम रात में जब सपने देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को किसी अनजान जगह पे पाते हैं। कितनी बार तो हम ये भी देखते हैं कि हम जंगल में या किसी अनजान जगह पे भूल गए हैं, या हम अपने रास्ते ही भटक गए हैं। हम अपने घर या हम अपनी मंजिल तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम पहुँच नहीं पा रहे। तो दोस्तों, हम सुबह उठ के ये सोचते हैं कि आखिर ये सपना हमें क्यों आया और ये सपना हमें क्या बताना चाहता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये सपना अच्छा नहीं होता है। ये सपना हमें ये बताता है कि शायद हम अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना। अब प्रश्न ये उठता है कि वो काम किस दिशा में हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी दिशाएं हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप कोई धार्मिक काम करते हैं, या आप कोई पूजा पाठ करते हैं, या आपने कोई ऐसी बात कह रखी है पूजा से संबंधित या किसी भी धार्मिक चीज़ से संबंधित और आप उसे पूरा ना कर पाए हो, या आप उसे भूल गए हो, या आपके द्वारा जो भी धार्मिक कार्य किया जा रहा है उसमें कहीं आपके द्वारा कुछ गलती हो रही हो। दूसरा काम ये भी हो सकता है कि जैसे आप अपने वर्क प्लेस पे या अपने साथियों के साथ, यहाँ तक कि आप अपने घर में अपने लोगों के द्वारा या उनमें से किसी भी एक को या एक से ज़्यादा को किसी भी गलत काम के लिए परेशान कर रहे हों या उन्हें किसी भी तरह से कष्ट दे रहे हों, तो ये हमें संकेत देता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। और शायद यही हमें बार बार बताता है कि हम अपने सही राह से भटक रहे हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। दोस्तों, सपने में हर संकेत को समझने का प्रयास करिए और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको इसमें सही दिशा में आपको इसे समझा सकूं। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार।